नमस्कार, आरबी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम 10th क्लास के 5-6 लेसन पढ़ चुके हैं। वो मैडम बस की सवारी करती हैं, लेसन चल रहा था, कुछ भाग हमने पढ़ लिया था, आज हम आगे पढ़ते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, नमस्कार, आरवी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम 10th क्लास के कुछ लेसन पढ़ चुके थे, आज हम आगे पढ़ते हैं। जो मैडम बस की सवारी करती है वाला लेसन चल रहा था, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वेल, ठीक है। वन फाइन स्प्रिंग डे, एक वसंत के दिन, द आफ्टरनून, दोपहर को, द बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग, बस रवाना होने वाली थी द विलेज एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, व्हेन ए स्मॉल वॉइस वाज हियर्ड शाउटिंग। वली वली हमारी शॉर्टकट में उसको वली कहा जाता था। उसका सबसे पसंदीदा जो समय था, घर के मेन गेट पर खड़े होकर बाहर देखना गली में क्या हो रहा है। तो गली में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति आते जाते रहते थे। एक बस जो उसके पास वाले कस्बे में, शहर में जाती और वापस आती, उसी गली से गुजरती थी। तो वह प्रतिदिन अनेक प्रकार के यात्री उसमें चढ़ते उतरते। तो धीरे धीरे उसके मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं भी एक दिन बस की सवारी करूंगी। और वह इच्छा है, वो प्रबल इच्छा बन गई, अब उसको पूरा करना ही है। वल्ली ने सोच लिया है कि बस की सवारी करनी है। जैसे तैसे उसने अपने आस पड़ोस से उसके बारे में लोगों को बातचीत करते हुए देखकर, सुनकर उनकी बातों को, उनके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की, कितना किराया लगता है, कब बस आती है, कब जाती है, है कि नहीं। तो उसके बाद क्या होता है, एक वसंत की दोपहर को, वसंत का दिन था, उसकी दोपहर को बस है वो अभी रवाना हुई थी और टर्न इनटू द मेन हाईवे, उसके गांव से मुख्य हाईवे पर अभी मुड़ी थी। उतने में ही एक स्मॉल वॉइस हियर्ड शाउटिंग, एक आवाज सुनाई दी, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस रोको, बस रोको। एंड ए टीनी हैंड, एक छोटा सा हाथ वाज रेज्ड, उठा कमांडिंगली, आदेशात्मक तरीके से, एक छोटा सा हाथ आदेशात्मक तरीके से उठा, बस रोको, बस रोको। द बस स्लो डाउन टू ए क्रेवल, क्रेवल यानी रेंगती हुई, बस रेंगती हुई धीरे हो गई। एंड द कंडक्टर, कंडक्टर यानी परिचालक, परिचालक, कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, दरवाजे से सिर बाहर निकाल करके देखा, शेड हरिदेन, और कहा, जल्दी करो, जल्दी करो, टेल हु यर इट इज टू कम क्विकली, जिसको आना है उसको कह दो जल्दी आ जाए, जल्दी करो, किस जिसको आना है उसको कह दो जल्दी आ जाए, क्विकली यानी शीघ्र ही, जल्दी। इट इज मी, ये मैं ही हूं, किसी दूसरे को नहीं कहना है, मैं ही हूं, शाउटेड वली, वली चिल्लाई, मैं ही हूं, आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, मुझे ही बस चढ़ना है, मैं ही हूं, मुझे कस्बे जाना है, मुझे ही बस चढ़ना है, कंडक्टर ने, परिचालक ने कहा था, कौन आ रहा है उसको जल्दी कह दो। तो वल्ली ने कहा, मैं ही हूं, मुझे ही कस्बे में जाना है। By now the bus had come to a stop, अब बस रुक चुकी थी। And the conductor said, परिचालक ने कहा, Oh really? You don't say so? तुमने पहले तो नहीं कहा, अरे तुमने पहले, तुमने ऐसा कहा तो नहीं कि मैं ही चलूंगी? Yes, हाँ, I am simply have to go to town, हाँ, मुझे ही कस्बे में शेर जाना है। शेर वली, वली ने कहा, मुझे ही कस्बे जाना है। Still standing outside the bus, अभी भी वो बाहर खड़ी है बस के बाहर, और कह रही है कि हाँ, मेरे को ही जाना है बस में। एंड हियर इज माई मनी, ये रहे मेरे पैसे, ये रहे मेरे किराए के पैसे,
she showed him, उसने उसको दिखाया, showed some coins, कुछ coins, coins यानी सिक्के, ये रहे मेरे पैसे, उसने कुछ सिक्के दिखाए, मुझे ही जाना है, okay okay, but first you must get on the bus, पहले बस तो चढ़ो, पहले बस तो चढ़ो, said the conductor, परिचालक ने कहा, ठीक है जाना पहले बस तो चढ़ो, and she stretched out a hand to help her up, उसको चढ़ाने के लिए कंडक्टर ने अपना हाथ स्ट्रेच किया, फैलाया उसकी सहायता के लिए, छोटी थी ना बच्ची, never mind, कोई जरूरत नहीं है, she said, उसने कहा, I can get on my by myself, मैं खुद चढ़ सकती हूँ, वल्ली ने कहा, हाथ बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चढ़ सकती हूँ, You don't have to help me. आपकी सहायता की कोई जरूरत नहीं है. आपकी सहायता की कोई जरूरत नहीं है. मैं खुद चढ़ सकती हूँ. वल्ली ने कहा. The conductor was a jolly sort. थोड़ा सा मजाकिया व्यक्ति था. Fond of joking. मजाक करने का उसको fond था. क्या था? शौक था. मजाक करने का उसे शौक था. Oh, please don't be angry with me. अरे कृपया नाराज मत हो. My fine madam, मेरी अच्छी मैडम, नाराज मत हो. He said, उसने कहा, here, have a seat right up there in front. ये रही सामने, दाईं ओर seat. Everybody who moves aside, please. कृपया सभी एक तरफ हो जाएं. Make way for the madam. मैडम को रास्ता दे. कंडक्टर मजाकिया व्यक्ति था. उसने कहा कि कृपया सभी एक तरफ हो जाएं और मैडम को रास्ता दें. इन फ्रंट यानी सामने, फ्रंट सामने. इट वाज द सलेक टाइम, सलेक टाइम था. अब दोपहर का समय था, थोड़ा सा सलेक टाइम था. मंदी का समय था, यात्री कम थे. मंदी का सलेक टाइम मीन मंदी का समय था ऑफ द डे, दिन का. एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस. केवल बस में 6-7 यात्री थे. 6-7 यात्री थे. सेलेक्ट टाइम था. दे वर ऑल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर. वे सभी वली की तरफ देख रहे थे, सभी यात्री, और कंडक्टर के साथ, परिचालक के साथ क्या कर रहे थे? हंस रहे थे. वली वाज ओवरकम विद शाइनेस. वली शर्मा गई. अवॉइडिंग Everybody's eyes, सबकी आंखों से बचते हुए वली, she walked quickly, जल्दी से to an empty sheet and sat down. एक खाली sheet पर गई और बैठ गई. Empty यानी खाली, और sat down हो गई. सभी है वली की तरफ देख रहे थे, और कंडक्टर के साथ, कंडक्टर ने जो मजा किया, हंस रहे थे. वली को शर्म आ गई और शीघ्र ही खाली शीट की तरफ गई और बैठ गई. उसके बाद क्या होता है? मे वी स्टार्ट नाउ मैडम. अब चले मैडम. कंडक्टर परिचालक कहते हैं, अब चले मैडम. मैं कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग. परिचालक ने मुस्कुराते हुए कहा, अब चले मैडम. देन दे ब्लू द हिज विस्टल. उसने अपनी सीटी बजाई. ट्वाइस यानी दो बार सीटी बजाई. एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद ए रोर. बस है वो खड़खड़ाहट के साथ आगे बढ़ी. इट वाज ए न्यू बस. ये एक नई बस थी. इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमिंग यानी चमकीली, चमकीला. उसके बाहर की तरफ एक चमकीला सफेद विद सम ग्रीन स्प्रिट अलोंग द साइड. बाहर की तरफ कुछ चमकीला पेंट किया हुआ था, कलर किया हुआ था, और सम ग्रीन स्प्रिट, कुछ हरी हरी स्प्रिट्स यानी धारियाँ अलोंग द साइड. दोनों तरफ हरी हरी धारियाँ भी थी इनसाइड, अंदर की तरफ. द ओवर हेड बार्ज, ऊपर वाली जो सलाखे थी, सोन लाइक सिल्वर की तरह वो सोन हो रही थी, चमक रही थी. डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली, वली के बिल्कुल सामने. अबोव द विंडशील्ड, ध्यान देना विंडशील्ड, विंडशील्ड के ऊपर.
विंड सील जो ड्राइवर के आगे जो बड़ा वाला कांच होता है ना, वही विंड सील होता है, ठीक है, ड्राइवर के आगे हवा आदि से बचाने के लिए जो बड़ा वाला कांच, वो विंड सील कहलाता है। देयर वाज ए ब्यूटीफुल ग्लोब, विंड सील के ऊपर एक सुंदर क्लोक भी लगी हुई थी, घड़ी लगी हुई थी। एक आपको शियालो एक ही बताया था, क्लोक यानी लाभदा, ऐसा वस्त्र जो सिर से लेकर घुटनों तक पूरा एक ही हो। द शीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरीज, सीट थी कोमल और आरामदायक थी, कोमल और आरामदायक थी। वली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आईज, वली ने प्रत्येक चीज को ध्यान से देखा, अवलोकन किया। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, जैसे ही उन्होंने बाहर देखना शुरू किया, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ द कैनवास ब्लाइंड, उसे लगा कि उसका कुछ दृश्य कट रहा है। किसके कारण? कैनवास ब्लाइंड के कारण, तिरपाल का बना हुआ पर्दा, तिरपाल का बना हुआ पर्दा, उसके कारण उसका दृश्य कुछ कट रहा था। जैसे ही वली ने बाहर देखने का प्रयास किया तो कुछ कट रहा था दृश्य। That covered the lower part of her window, जो खिड़की के निचले वाले हिस्से तक ढका हुआ था वो पर्दा। So इसीलिए she stood up, वह खड़ी हो गई, stand up यानी खड़े होना, stood up यानी खड़ी हो गई on the sheet पर, and peered, झांकने लगी। peer का तो होता है झांकना, ठीक है, over the blind, पर्दे के ऊपर ऊपर से झांकने लगी। इसलिए वो खड़ी हो गई सीट पर और पर्दे के ऊपर से झांकने लगी। The bus was now going along the bank of the canal. अब बस है वो नहर के किनारे किनारे चल रही थी। कैनल यानी नहर, बैंक यानी किनारे, किनारा। बस है वो नहर के किनारे किनारे चल रही थी। द रोड वाज वेरी नैरो, सड़क बहुत ही नैरो थी, नैरो यानी तंग, संकरी, छोटी, सड़क बहुत ही संकरी थी। ऑन वन साइड देयर वाज द कैनल, एक तरफ तो नहर थी, एंड बियॉन्ड और इट नहर के और आगे पाम ट्रीज, ताड़ के वृक्ष थे, ग्रासलैंड घास के मैदान थे, एंड डिस्टेंस माउंटेन्स और उससे आगे पर्वत थे, ठीक है, नहर के आगे ताड़ के वृक्ष, घास के मैदान और फिर पर्वत, एंड द ब्लू ब्लू स्काई और उसके फिर आगे नीला नीला आकाश। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ क्या था, वाज ए डीप डिच, डिच थी दूसरी तरफ, एक गहरी खाई थी, डीप डिच, एंड Then acre and acres of green field, फिर उसके बाद एकड़ एकड़ तक फैले हुए हरे भरे खेत थे, green 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 as far as, जहाँ तक वे देख सकती थी जितनी दूर तक, as far as the eyes could see, वे देख सकती थी, हरियाली ही हरियाली थी। आईज कुर्सी, जहां तक उसकी आंखें देख सकती थी, हरियाली हरियाली थी। एक तरफ नहर, नहर के आगे ताड़ के वृक्ष, घास के मैदान, फिर पर्वती पर्वत, दूसरी तरफ खाई थी, उसके बाद हरियाली ही हरियाली। ओ इट वाज आल्सो वंडरफुल, उसका उसको दृश्य बड़ा ही शानदार लगा, आश्चर्यचकित हो गई, कितना सुंदर दृश्य, वंडरफुल। Suddenly, she was startled, अचानक वह startled हो गई, अचानक वह चौंक गई, startled यानी चौंक गई, by a voice, एक आवाज, एक आवाज से वो चौंक गई। सुनो सुनो बच्ची, listen child, सुनो बच्ची, shared the voice, आवाज आई, सुनो बच्ची, you shouldn't stand like that, sit down, तुम इस तरीके से खड़ी नहीं नहीं रह सकती, बैठ जाओ। पीछे से आवाज आई, सुनो बच्ची,
इस तरीके से तुम खड़े नहीं रह सकती, बैठ जाओ अपनी सीट पर। तो बच्ची क्या हो गई, स्टार्टल हो गई, चौंक गई। कौन बोला? चौंक गई। सिटिंग डाउन, बैठते हुए। सिटिंग डाउन, बैठते हुए। सिटिंग डाउन, बैठते हुए। तो हम पढ़ रहे थे वल्ली वाला लेसन, कुछ टेक्निकल इश्यू होने के कारण है। चलो हो जाएगा। तो हम वली वाला पढ़ रहे थे लेसन, तो हमें वली है जिसको बहुत ही, चलो आगे आइए। सिटिंग डाउन ऑन द लुक दैट शी हु हैड स्पोकन इट वाज एन एल्डरली वुमन। तो पीछे से आवाज आई, सुनो बच्ची बैठ जाओ, तुम इस तरीके से खड़ी नहीं रह सकती, तुम इस तरीके से खड़ी नहीं रह सकती। सिटिंग डाउन, बैठते हुए। शी लुक्ड एट टू सी, देखने के लिए देखा, देखने के लिए देखा। हु हैड स्पोकन, कौन बोला? उसने पीछे मुड़ करके ये देखने के लिए देखा कि कौन बोला। इट वाज एन एल्डरली वुमन, एक वृद्ध महिला। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्नड फॉर हर, जो ईमानदारी से उसके प्रति क्या थी, चिंतित थी। क्या थी? चिंतित। बट शी वॉज अनोइड बाई हिज अटेंशन, लेकिन शी वॉज अनोइड, वह नाराज हो जाती है। कौन नाराज हो जाती है? वली या वृद्ध महिला? वली नाराज हो जाती है। अनोइड यानी नाराज हो जाना, उसके अटेंशन के द्वारा, उस महिला के द्वारा ध्यान देने से वो क्या हो जाती है, नाराज हो जाती है। देर वॉज नो बॉडी हियर हु इज ए चाइल्ड, यहाँ कोई बच्ची बच्ची नहीं है। किसने कहा बच्ची बैठ जाओ, यहाँ कोई बच्ची नहीं है। शी सेड हॉटिंगली, उसने घमंड पूर्वक कहा, यहाँ कोई बच्ची नहीं। आई हैव पेड माई 30 पैसे, मैंने मेरे 30 पैसे दिए, पूरा किराया दिया है। लाइक एवरी वन इल्स, अन्य जो दूसरे पैसेंजर ने दिया है वैसे ही मैंने भी पूरा किराया दिया है, यहाँ कोई बच्ची बच्ची नहीं है। द कंडक्टर, परिचालक चेम्ड इन, बीच में ही बोल पड़ा, मजाक किया था लेकिन बीच में ही बोल पड़ा। ओ सर, बट दिस इज ए वेरी ग्रोन अप मैडम, अरे ये तो बड़ी ग्रोन अप मैडम है, एक वयस्क मैडम है, बच्ची थोड़ी है ये तो वयस्क मैडम है। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, ए मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर, क्या केवल एक छोटी बच्ची अपना किराया खुद दे सकती है, एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और शहर के लिए अकेली यात्रा कर सकती है, ये तो वयस्क मैडम है। क्या आप सोचते हैं कि केवल एक छोटी बच्ची अपना किराया, फेयर यानी किराया देख करके शहर की यात्रा कर सकती है, ट्रेवल करना, यात्रा करना, कंडक्टर ने कहा। तो वली शूट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर, वली ने नाराज होकर के परिचालक की तरफ देखा, एंड सेड, कहा, आई एम नॉट ई मैडम, मैं मैडम नहीं हूं, प्लीज रिमेंबर, याद रखो, मैंने कहा ना मैं मैडम नहीं हूं, याद रखो। एंड यू हैव नॉट येट माई गिवन माई टिकट, और हाँ आपने अभी तक, तुमने मेरा टिकट भी नहीं दिया है। आई शेल रिमेंबर, मुझे याद है, परिचालक ने कहा, हाँ हाँ मुझे याद है, मिमिकिंग करते हुए, मिमिकिंग यानी नकल करते हुए, मिमिकिंग यानी नकल करते हुए, हाँ याद है, हर टोन उसकी आवाज में उन्होंने कहा, हाँ याद है। एवरीवन लाफ्ड, सभी हंसने लगे, एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे, धीरे धीरे, वल्ली टू जॉइन इन द लाफ्टर, वल्ली भी उस हंसी में शामिल हो गई, सभी हंसने लगे, फिर धीरे धीरे वल्ली भी हंसने लगी। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट, कंडक्टर ने एक टिकट काटा, एंड हैंडेड इट, उसको दे दिया। जस्ट सिट डाउन बैक एंड मेक, अब बैठ जाओ, एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, अपने आप को आरामदायक कर लो, आराम से बैठ जाओ। वाई शुड यू स्टैंड अप, तुम खड़ी क्यों होती हो? When you have paid for the seat, जब तुमने सीट के लिए पेड किया है, पैसे दिए, तब तुम सीट पर खड़ी क्यों होती हो?
आराम से बैठ जाओ। किसने कहा? कंडक्टर ने कहा। तो वल्ली क्या कहती है? वल्ली कहती है बिकॉज, क्योंकि आई वांट टू, मैं चाहती हूं, मेरी इच्छा है खड़ा होने की। शी आंसर्ड, उत्तर दिया स्टैंडिंग अप अगेन, एक बार फिर खड़े होते हुए। उसने फिर खड़े होते हुए कहा मेरी इच्छा है खड़े होने की। बट इफ यू स्टैंड, यदि ऑन द सीट, लेकिन तुम इस तरीके से अपनी सीट पर खड़ी हो जाओगी, यू मे फॉल, तुम गिर सकती हो, एंड हर्ट योर सेल्फ, तुम्हें खुद को चोट लग सकती है। व्हेन द बस मेक्स ए शार्प टर्न, जब बस तेजी से मुड़ेगी, शार्प टर्न लेगी, तब तुम गिर सकती हो। और हिट्स द बम्प्स, बम्प्स यानी खुदरी जगह, बस जब किसी खुदरी जगह से हिट करेगी, टकराएगी, या कोई तेजी से टर्न लेगी, तो तुम गिर सकती हो। दैट इज वाई, यही कारण है वी वांट, हम चाहते हैं टू सिट डाउन चाइल्ड, यही कारण है बच्ची, हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट ए चाइल्ड, मैंने कहा ना मैं बच्ची नहीं हूं। आई टेल यू, मैं आपको बता दू, शी सेड, उसने कहा इरिटेबली, चिढ़ते हुए, उसने चिढ़ते हुए कहा, मैंने कहा था ना मैं बच्ची नहीं हूं। आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूं। वल्ली कह रही है मैं बच्ची नहीं हूं, मैं 8 साल की हूं, कहा था ना मैंने। ऑफ कोर्स, वास्तव में, हाँ हाँ, कंडक्टर तो मजा किया था ही। ऑफ कोर्स, यू स्टूपिड ऑफ मी, हम भी कितने मूर्ख हैं। 8 years माई, 8 साल की माई, आगे वो कह रहा है कि वो माई फाइन मैडम है। दे बस स्टॉप्ड, बस रुक गई, सिर टाउन में पहुंच चुके हैं। सम न्यू पैसेंजर गोट ऑन, कुछ नए यात्री चढ़े, बस है वो बीच में रुकी, कुछ नए यात्री चढ़े। एंड द कंडक्टर गोट बिजी फॉर ए टाइम, कंडक्टर भी कुछ समय के लिए बिजी हो गया, व्यस्त हो गया, क्योंकि नए यात्री चढ़े। एफ्रेड ओवर लॉसिंग हर सीट, अपनी सीट खोने के डर से, एफ्रेड यानी फियर, डर, किसका डर? लॉस हर सीट, लॉसिंग हर सीट, अपने सीट खोने के डर से। वल्ली फाइनली सीट सेट डाउन, वल्ली अनक पे बैठ गई कि जब नए यात्री चढ़ रहे हैं तो कोई दूसरा यात्री है सीट पर बैठने जाए, इसलिए वो बैठ गई। एन एल्डरली वुमेन कम एंड सेट बिसाइड हर, एक वृद्ध महिला आई और उसके पास में बैठ गई। ये देखो वर्ड आपको अच्छी तरीके से बताया था, इसके आगे एस लग जाए तो बी साइड का होता है अलावा, अतिरिक्त। एक वक्त महिला चढ़ी और बी साइड यानी पास में बैठ गई। आर यू अलोन डियर, प्रिय, क्या तुम अकेली हो? क्या अकेली यात्रा करी? उसी आजकल उसने पूछा। वली एज द बस स्टार्टेड अगेन, बस है वो फिर से क्या हो गई, रवाना हो गई। वक्त महिला ने पूछा क्या तुम अकेली यात्रा कर रही हो? वली फाउंड द वुमेन एब्सोल्यूटली रिप्लूसिव, पूर्ण रूप से रिप्लूसिव यानी घृणास्पद, अरुचिकर। वल्ली को वह वर्ग महिला बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, रिप्लूसिव यानी घृणास्पद लगी। सच बिग होल, बड़े बड़े होल थे, बिग होल। द हेड हर ईयर लोब्स, ईयर लोब्स यानी कर्णपालियां, जो कर्णपाली होती है। एंड सच अगली अर्निंग्स, और बदी बदी बालियां इन देवन में, तो उसकी वर्ध महिला के कानों में, पालियों में बड़े बड़े होल थे और उसमें बदी बदी बड़ी बड़ी बालियां पहनी हुई थी। वल्ली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एंड शी कुड स्मेल द बेटल, उसमें पान सुपारी की स्मेल आ रही थी, पान सुपारी खा रही थी वो। द वुमेन, वे औरत, वर्ध महिला, वा चीविंग, चबा रही थी, चीविंग कर रही थी, चबा रही थी, चीविंग करना, चबाना। एंड शी द बेटल ज्यूस, पान का जो रस है, दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर द लिप्स, उसके होठों तक आ जाता था एट एनी मोमेंट, ऐसे लगता था वो रस है वो बाहर छलक रहा था जैसे वो बोल रही थी, है कि नहीं? तो ये वर्ग महिला है उसको बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी। ओह अरे उप, घृणास्पद तरीके से,
Who could be sociable with such a person? इस प्रकार के व्यक्तियों के साथ कैसे कोई सामाजिक बन सकता है, सोशल हो सकता है, एमिएबल हो सकता है, मिलनसार हो सकता है? कितनी बदी है? Yes, हाँ, I am traveling alone. अब बच्ची ने उत्तर दिया, हाँ मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ. She answered curtly यानी अरुचिकर तरीके से. उसमें कोई मतलब रुचि नहीं थी, अरुचिकर तरीके से उन्होंने, अशिष्ट तरीके से उन्होंने उत्तर दिया. एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू, मेरे पास टिकट भी है. यस हाँ, शी इज ऑन हर वे टू टाउन, हाँ वे अपने कस्बे जा रही है. सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने तो बीच में कह ही दिया ना, हाँ ये अपने शहर जा रही है विद ए 30 पैसे टिकट, 30 पैसे किसके पास में टिकट भी है. ओ अरे अरे, वाई डोंट यू माइंड योर ओवन बिजनेस, तुम अपने अब काम से काम क्यों नहीं रखते, अपने काम से काम क्यों नहीं रखते. शेड वली वली ने कंडक्टर को कहा, तुम अपना काम है उस पर ध्यान दो. बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, सभी है वो हंसने लगे, वली भी हंसने लगी. बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल, लेकिन जो वर्ध महिला थी वो तो अपनी ड्रीवल उसकी चालू थी. ड्रीवल यानी बक बक, बड़ी हमने वो एने प्रैंक वाला पढ़ा ना, चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स, बड़ी चैटर बॉक्स थी ये. इसकी तो बक बक चालू ही थी, किसकी, वर्ध महिला की तो बक बक चालू थी. ड्रिवल यानी बकबक. इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अगोन अलोन, क्या एक इतनी छोटी बच्ची के लिए, इतनी छोटी बच्ची के लिए अकेला यात्रा करना उचित है? डू यू नो, क्या तुम जानती हो एग्जैक्टली ठीक ठीक वेयर आर यू आर गोइंग इन टाउन, तुम कस्बे में कहाँ जाओगी, पता है तेरे को? What is the street? किस गली में जाओगी, पता है? What is the house number? कितने नंबर घर की तरफ जाओगी? You needn't bother about me. आपको मेरे बारे में बोधर होने की कोई जरूरत नहीं है. बोधर यानी परेशान होना. वल्ली कहती है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. I can take care of माई शेलप, मैं खुद अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ, वल्ली ने कहा. टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टार स्टेरिंग आउट, खिड़की की तरफ वापस मुड़ते हुए चेहरा करते हुए और बाहर की तरफ देखते हुए स्टेरिंग एक टक देखना. वापस उसने खिड़की के तरफ मुंह किया और कहा, ये कहते हुए मुंह किया कि आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है. मैं कहाँ जाऊंगी, किस गली में जाऊंगी, कितने नंबर घर, आपको मेरे बारे में बोधर होने की कोई भी जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. तो वली वाला एक पार्ट और बचा है, कल हो जाएगा. आज हम इतना ही पढ़ेंगे. तो जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, इन वीडियोज़ को देखते रहे. आज का वीडियो देखने से पहले पहले वाला वीडियो देखें तो ही ज़्यादा समझ में आएगा. बीच में से वीडियो नहीं देखें और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. तो इस इनके जो क्वेश्चन आंसर है आपको बताएं, RJD703 इस पर मिलेंगे आपको, तो इस जाकर सर्च करें. बाकी अगला पार्ट कल पढ़ेंगे. धन्यवाद.